हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस कुकीज़, जो कि बहुत ही आसानी से घर पर ही बन जाती है विदाउट ओवन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने कुकर को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। मैंने यहाँ पर एक कप मैदा, दो बड़े चम्मच बेसन, आधी कटोरी पिसी हुई चीनी, 50 ग्राम मक्खन और आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे सिर्फ बेसन में ही बना सकते हैं। सबसे पहले आधी कटोरी पिसी हुई चीनी और मक्खन को एक साथ मिला लें। एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक मिलाएं जब तक कि चीनी और मक्खन एक साथ घुल ना जाए। चीनी के दाने नहीं आने चाहिए, एकदम मक्खन की तरह हो जाना चाहिए। तकरीबन 5 मिनट तक मिलाने के बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और बेसन को एक साथ मिला के एक डो बना लेना है। विदाउट वाटर बनाना है। अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून दूध मिला सकते हैं। अच्छी तरह से मसले, कुछ इस तरह का डो निकल के आएगा आपके लिए। अब एक थाली ले, उस पर थोड़ी सी घी ग्रीस करें। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए थोड़े से काजू, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है, इसे इस तरह से गोल गोल बना लें और अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लें। मैंने यहाँ पर एक क्रॉस के तरह डिज़ाइन बनाया है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना लें। दूसरी वाली भी मैं दिखा दे रही हूँ। दोनों के बीच में उतना सा डिस्टेंस होना चाहिए, एक उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए। तो चलिए हम सारे अपने बिस्किट्स बना के रेडी कर लेते हैं। आप अगर छोटे छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो इस क्वांटिटी पे आप 20 बना सकते हैं। मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं। आप प्री हीटेड कुकर में इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख दें। तकरीबन 20 मिनट बाद हमारे बिस्किट्स रेडी है।